भाई बहन के प्यार का त्यौहार कहा जाने वाला भैया दूज पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा में भाई दूज का पर्व एक अलग मान्यता के मुताबिक मनाया जाता है। इस दिन मथुरा में यमुना तट पर एक विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है, जिसे यम द्वितीया स्नान कहते हैं। इस विशेष स्नान में एक साथ शामिल होकर भाई बहन मोक्ष प्राप्त की कामना करते हैं। इस स्नान की मान्यता है कि जब सूर्य पुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यहां आए तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और दोनों ने इसी विश्राम घाट पर स्नान किया था। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा तो यमुना जी ने वरदान मांगा कि इस दिन इस घाट पर जो भी भाई बहन मेरे जल में स्नान करेगा उनके सारे पाप दूर होकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरी दुनिया में यमराज का यह एक मात्र मंदिर है जो इसी विश्राम घाट पर है और स्नान के बाद सभी भाई बहन इस मंदिर में यमराज की पूजा कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यही वजह है कि मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ यहां देश विदेश से लाखों भाई बहन इस दिन स्नान करने पहुंचते हैं और एक साथ स्नान करने से भाई को यम की फांस यानी नरक से मुक्ति मिलती है। यमुनापान करना है, भाई भी स्नान है। स्नान किया आपने? स्नान के लिए भाई आए हैं साथ में? भाई ने, वो कनाडा है। भाई के लिए क्या कुछ मांगा आपने? हाँ, भाई के लिए अच्छी उम्र और आशीर्वाद मांगा है उसको, लंबी आयुष्य। भाई क्या नाम है आपका? कृति गाजीपुरा। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्थाएं रही यहाँ? अच्छी है, ठीक है। सब हुई कचरा, हम सूरत से आए हैं यमुना पान करने के लिए। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, थोड़ी तकलीफ हुई पर अच्छा। नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। क्या कुछ मांगा भाई के लिए? हाँ, लंबे आयुष्य। और जी क्या नाम है आपका? विनोद गजेरा है। मैं जूनागढ़ आड़ित्रा गांव का रहवासी हूँ और आल सूरत रहता हूँ। टीचिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हूँ और ये जो यमुना पान करना है तो दिवाली के दिनों में ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उसे बड़ी व्यवस्था की है। आने का जाने का सब रास्ता और जो गाड़ियाँ है वगैरह वो अंदर नहीं आने देते हैं, इसलिए थोड़ा व्यवस्था बना रहा है। और घाट पे भी अच्छा व्यवस्था है, कपड़ा चेंज करने का भी व्यवस्था है, ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है, लेकिन जो महत्व है यमुना जी का स्नान करने का वो कभी भी कम नहीं होगा। और ऐसा महत्व हमने देखा है, कहीं पढ़ा है और कितनी बार सुना भी है, तो ये सचा के टिकट तो नहीं मिल रही थी क्योंकि वृंदावन की गोकुल मथुरा की जो टिकट है रेलवे की वो भी नहीं मिल रही है। फिर भी वो 3-4 महीने पहले बुकिंग करवाते हैं और बाद में यहाँ आए और ये आज हमारा मनोरथ पूरा हो गया और भाई बीज का जो स्नान साथ में करना है वो साथ कर पाएंगे और करें और अच्छा लगा बहुत। और महिलाओं की अगर बात करें, साफ सफाई और हाँ महिलाओं के लिए जो यस चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए हैं, कैसी व्यवस्थाएं रही? चेंजिंग रूम तो खास तरफ से जो जूना पुराना जो हमारा मकान है वहाँ भी चेंजिंग व्यवस्था रखी हुई है, महिलाओं के लिए भी रखी हुई है, लेकिन भीड़ भाड़ के दौरान कभी ऐसा होता है कि पूरा अच्छी तरह से कपड़ा बदल में थोड़ा ये लगता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि व्यवस्था तो है ही। क्या नाम है आपका? अजय कुमार चौबे। कहाँ से आए हो? हम झारखंड से आए हुए और यहाँ जो भाई दूज का प्रेम का जो प्रतीक यहाँ नजर आया और ये भारी तादाद में लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और काफी सुरक्षा और काफी यहाँ मतलब अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और यहाँ पर इतना भीड़ उमड़ी हुई है कि देखकर लग रहा है कि मतलब यहाँ मतलब एक एक तरह का मतलब हर्षोल्लास का मेला लगा हुआ है। इस जी क्या नाम है आपका? समता व्यास। कहाँ से आए? चेन्नई।
अच्छा चेन्नई जाना, आप यहाँ इतनी दूर भाई बहन का जो पर्व है, क्या मान्यता है क्यों यहाँ आज? ये मान्यता सालों से चली आ रही है और ये बहुत ही अच्छी मान्यता है। ये एक भाई बहन का बहुत अच्छा पर्व है, इसे सभी लोग सालों से मनाते हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और हमने हमारे भाई की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके व्यापार के लिए यहाँ मांगा है और बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? कोनिता मिश्रा नाम है। हम गंगा जमुना जी स्नान करने आए हैं। यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है। हम लोग नहा लिए, सब पूजा पाठ हो गया, भाई बहन हम लोग मिठाई खा लिए, खिला दिए, सब तरह से सब यहाँ का सब ठीक है। जी क्या नाम है आपका? हितेश भाई डेनड़िया। कहाँ से आए हैं? राजकोट से। अच्छा आज भाई बहन का पर्व है, क्या मान्यता है और क्यों यहाँ जमुना में स्नान किया जाता है? ऐसा मान्यता है कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद यमुना जमुना जी के वो यमराजा के तेड़े नहीं आते हैं और भाई बहन का स्नेह बहुत अच्छा रहता है। भाई के ऊपर कभी कोई आपत्ति नहीं आती है, बहन के ऊपर भी आपत्ति नहीं आती है, ऐसा सब मानते हैं। तीन दिन से आए हैं, काल गोवर्धन पूजा का परिक्रमा किए हैं, सपन रहा जन्मभूमि देखे थे जन्मभूमि, आज स्नान करने आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। भाई दूज का हम लोग त्योहार मनाए भी यहाँ, अलग दूसरे को मिठाई खिलाए, पूजा पाठ किए, अब आगे की यात्रा मंगलमय हो जा रहे हैं। आगे की व्यवस्था कैसी रही? बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है। यहाँ का सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, एकदम गाड़ी वाला से लेके एक रिक्शा वाला से लेके सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।